बड़ी खबर गाजीपुर जिले से, जहां गाजीपुर के करंदा क्षेत्र के जमुआ गांव निवासी अमितेश दुबे अखिलेश दुबे का पड़ोसी पिंटू जायसवाल से पुराना विवाद चल रहा था। आज सुबह करीब 7 बजे गोबर की खाद खेत में ले जाने के लिए अमितेश दुबे ने घर के पास ट्रैक्टर ट्राली बुलाया। पिंटू ट्रैक्टर की ट्राली मकान के सामने होने पर विरोध करने लगे, इसको लेकर कहासुनी होने लगी। इसी बीच जायसवाल परिवार के लोगों ने अमितेश के पुत्र दुर्गेश को थप्पड़ मार दिया। इससे गुस्सा होकर दोनों परिवार आपस में भिड़ गए। इसी बीच जायसवाल परिवार के किसी व्यक्ति ने ईंट से अमितेश के सिर पर कई वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होने के कारण गिर पड़े। परिवार के लोग आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करंदा ले गए, जहां स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गाजीपुर ले जाते समय रास्ते में ही अखिलेश ने दम तोड़ दिया, इससे घर में कोहराम मच गया। मृतक अमितेश दुबे पूर्व माध्यमिक विद्यालय जैतपुरा शिक्षा क्षेत्र सदर में अनुदेशक के पद पर कार्यरत थे। देखिए एक रिपोर्ट। सर, करंडा में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के संबंध में सूचना मिली है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज मॉर्निंग में करंडा थाना क्षेत्र में एक दो पक्षों के बीच में मारपीट जो है वो हुई है। भूमि में से गोबर उठाने को न लेके, उसके विवाद न को लेके ये मारपीट जो है वो न हुई है। एक व्यक्ति के सिर में ईंट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी है। मौके पे मेरे द्वारा और फील्ड यूनिट द्वारा और बाकी टीम द्वारा मुआयना किया गया है। बॉडी को पंचायतनाम भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो नामजद इसमें अन्य व्यक्ति है उनकी पूछताछ चल रही है। जल्द ही विधिक मुकदमा लिख के विधिक कार्रवाई की जाएगी।